द यूपी कैबिनेट में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे दिया। हापुड़ में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं होती रहती हैं, कानून अपना काम कर रहा है। उत्कर्ष ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके के बयान सामने आए हैं, तो क्या एक बार फिर से बयान के बाद वो माफी मांग लेंगे पार्टी के दबाव पे? देखिए, साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो असंवेदनशील है और एक ऐसे मसले को लेकर है जिस पर सरकार की ओर से इस तरीके के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले रायबरेली और ऊंचाहार में हुई जो सामूहिक हत्या की घटनाएं थी उसमें भी आरोपियों के पक्ष में बयान दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की जो जबान है वो बार बार फिसलती है और उसके बाद वो यही बात कहते हैं कि मेरी जबान फिसल गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाता है जिस तरीके का बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही है, जो बात सवालों के जवाब में उन्होंने की ओर से कही गई है, वो ये बताता है कि ऐसी घटनाओं को लेकर भी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री की जो संवेदनशीलता है उसका स्तर क्या है। हालांकि भले ही शायद स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान से बाद में पलट जाएं, लेकिन लगातार इस तरीके के उनके बयान उनकी संवेदनशीलता के स्तर को जरूर दिखाते हैं। शुक्रिया उत्कर्ष। यूपी के मथुरा में पुलिस की मौजूदगी में लोगों की भीड़ एक ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर पर टूट पड़ी। लोगों ने आरोप लगाया कि ये दोनों अपने ट्रक में गायों को भरकर तस्करी करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही लोगों को खबर मिल गई और उन्होंने ट्रक को रुकवाकर उसमें सवार दो लोगों को पीटना शुरू कर दिया। गो तस्करी की खबर सुनकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस का कोई असर नहीं दिखा। पुलिस दोनों आरोपियों को पिटने से बचाने की कोशिश में जुटी रही, लेकिन भीड़ ने उन्हें नहीं बख्शा। कुछ देर की मशक्कत के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन गुस्साए लोग पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को गांव वालों ने गो तस्करी के आरोप में पकड़ा उनके ट्रक में गांव से पकड़े गए आवारा मवेशी भरे थे और ट्रक में भरकर उन्हें बरसाना में रमेश बाबा की गौशाला में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने साफ किया कि आवारा मवेशी गांव वालों की फसल को नुकसान पहुंचाते थे और उन्हें गांव से बाहर ले जाने की सूचना पुलिस को पहले ही दे दी गई थी, इसीलिए पुलिस के कुछ आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने लगे। आवारा मवेशियों को ले जा रहे ट्रक ड्राइवर ने दावा किया कि मवेशियों को ले जाने के लिए उसके पास गांव के प्रधान की परमिशन का लेटर भी है और वो पहले भी आवारा मवेशियों को रमेश बाबा की गौशाला में पहुंचा चुका है। दो गाड़ी भर के गई है, वो सूचना आपने कहां दी थी? काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस लोगों को समझाने में कामयाब हो पाई और फिर दोनों लोगों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर वहां से रवाना किया गया।